I'll park it here. Thank you, sir. अंकल, देख रही हूँ आजकल तू घर बहुत कम समय के लिए रहता है। हाँ, क्या बात कर रही हूँ माँ, मैं तो कब से यहीं पर हूँ। हाँ, वो स्पेशल के सब हॉस्पिटल में नहीं है ना, इसलिए। माँ, घुमा फिरा कर तुम्हारा तीर एक निशाने पे लगता है। हाँ? लेकिन हर बार निशाना चूक ही जाता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा बेटा। जब से मैंने श्रुति को देखा है ना, तब से घर का सूनापन काट खाने को दौड़ता है। तू उसे जल्दी से घर ले आना। माँ, ये इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रही हो। वो अलग तरह की लड़की है। होगी, लेकिन मुझे पता है तू उसे बहुत पसंद करता है, और श्रुति तुझे, है ना बेटा? अगर तू हिचकिचा रहा होगा तो मैं उससे बात कर लूं। माँ प्लीज, हम कुछ और बात करें। बेटा सच कहूं तो मेरे पास बात करने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर तेरे पिता होते ना, तो अब तक तेरा घर बसा चुके होते। और पता नहीं मैं भी कितने दिन तेरा साथ दे सकूं। माँ, ऐसी बातें क्यों कर रही हो तुम? गलत भी तो नहीं कह रही हो ना? देख संकल्प, मैंने तेरा झुकाव किसी के लिए कभी भी इतना नहीं देखा जितना रिलीफ कैंप से आने के बाद देखा था। मैंने उस वक्त भी तेरा चेहरा पढ़ा था। देख बेटा, माँ की नजरों से कुछ नहीं छुपता। वही लड़की तेरे जिंदगी में दोबारा आई है। वक्त तेरे साथ है बेटा, वक्त के इशारे को समझ। अब क्या सोच रहा है तू? माँ, मैं आलोक को क्या जवाब दूंगा? बेटा, आलोक बहुत समझदार है, बल्कि वो भी तेरा साथ देगा, क्योंकि वो जानता है कि आस्था अतीत है। अतीत के साथ जुड़े रहने से कोई फायदा नहीं है। तेरे सामने एक लंबा भविष्य है, खूबसूरत सपना है, एक लक्ष्य है, और अपनी मंजिल पाने के लिए तुझे एक साथी की जरूरत है। और संकल्प जैसा साथी तुझे कभी नहीं मिल सकता। लेकिन दीदी, मैंने सर को कभी इस नजर से नहीं देखा। लेकिन संकल्प तो तुझे सिर्फ उसी नजर से देख रहा है। हाँ श्रुति, मैं जानती हूँ तुझे बहुत चाहता है। वो तेरे लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। तू अभी तक क्यों नहीं समझ पा रही है दीदी? मैं आकाश को नहीं भूल सकती, ये बहुत मुश्किल है। बेटा, ऐसा तू समझ रहा है? तू एक काम कर, तू श्रुति को घर ले आ। मैं उसे समझा भी दूंगी और उसका मन टटोल भी लूंगी। देख बेटा, श्रुति जैसी लड़की का मिलना किस्मत की बात होती है। मुझे अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं है माँ, इसलिए बहुत डर लग रहा है। गुजरा हुआ कल एक हकीकत थी और वर्तमान भी हकीकत है, पर वर्तमान इतना आसान भी तो नहीं है माँ। मैं जानती हूँ ये बहुत मुश्किल है, पर तुझे आकाश को भूलना ही होगा। देख श्रुति, जो अतीत किसी को तकलीफ देना, उसे भुला देने में ही समझदारी है। मैंने बहुत कोशिश की दीदी, खपोली जाकर रहने का फैसला इसी की एक वजह थी, लेकिन आकाश
दीदी मैं तुम्हें नहीं समझा पाऊंगी। मैं सब समझती श्रुति, और मैं ये भी बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि संकल्प तुझे आकाश से बहुत दूर ले जाएगा। मैंने आकाश को तो देखा नहीं, पर मुझे पूरा यकीन है कि संकल्प जैसा लड़का नसीब वालों को ही मिलता है। लेकिन दीदी, श्रुति मैं तेरी बड़ी बहन हूं और तेरा बुरा मैं कभी नहीं चाहूंगी। फैसला तुझे करना है। लेकिन मुझे पता है तू उसे बहुत पसंद करता है, और श्रुति तुझे, है ना? मैंने तेरा झुकाव किसी के लिए कभी भी इतना नहीं देखा जितना रिलीफ कैंप से आने के बाद देखा था। मैंने उस वक्त भी तेरा चेहरा पढ़ा था। देख बेटा, माँ की नजरों से कुछ नहीं छुपता। वही लड़की तेरे जिंदगी में दोबारा आई है। संकल्प जैसा साथी तुझे कभी नहीं मिल सकता। मैं जानती हूँ तुझे बहुत चाहता है, वो तेरे लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। संकल्प तुझे आकाश से बहुत दूर ले जाएगा। मैंने आकाश को तो देखा नहीं, पर मुझे पूरा यकीन है कि संकल्प जैसा लड़का नसीब वालों को ही मिलता है। मुझे लगता है इस झूले के साथ साथ ये छत भी नीचे उतर आएगी। तुम इसकी मरम्मत क्यों नहीं करवा लेते हो? अच्छा एक बात बताओ, इतने पैसे बचाकर तुम करोगे क्या? हाँ? अरे बचाने के लिए पैसे नहीं है मेरे पास। अच्छा, ना इस घर में आया है, ना खाना बनाने वाली और ना ही झाड़ू पोता करने वाली। मैं इस घर में जब आऊंगी ना, तो सबसे पहले इस घर की मरम्मत करवाऊंगी। कहीं पर प्लास्टर नहीं है तो कहीं पर रंग नहीं, सारा घर कवाड़ा बना रखा है। लो। थैंक यू। श्रुति, वैसे ये घर का है? ये तो सिर्फ सर छुपाने के लिए एक जगह है। मुझे इस घर में आ लेने दो, फिर सब ठीक कर दूंगी मैं। हाँ जब आओगी तब ना। अरे अब मैं यहाँ आ गई हूँ ना, सबसे पहले मैं इस घर की मरम्मत करवाऊंगी, रंगाई पुताई भी करवानी होगी। कहीं से कलर निकला हुआ है तो कहीं से प्लास्टर। मुझे तो लगता है ये झूला भी कितना आवाज करने लगा है। कभी कभी लगता है कि इस झूले के साथ साथ ये छत भी गिरकर टूट जाएगी। मैं मनीषा दीदी से बात करती हूँ, उन्हें पता होगा कोई काम करने वाला मिल जाएगा, है ना? यह है दिनेश शर्मा के जमानत के कागजात। वकील साहब, आप जानते हैं कि इस पूरी वारदात के पीछे दिनेश का ही हाथ है, फिर भी आप उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं? इंस्पेक्टर साहब, वकीली मेरा पेशा है, क्लाइंट को कानूनी मदद पहुंचाना मेरा फर्ज है। ये जानते हुए भी कि वो मुजरिम है? इंस्पेक्टर साहब,
आप यहां बैठे बैठे फैसले भी करने लगे। रामदीन। हाँ सर। दिनेश को बाहर लेकर आओ। जी सर। यहां पर साइन कर दीजिए। यहां पर साइन कर दीजिए। और हां, हर रोज यहां हाजिरी के लिए आना होगा। तो चले फिर। आप जा सकते हैं। थैंक यू। राहुल, क्या कर रहा है तू? मुच्छी बना रहा हूँ। मुच्छी बना रहा हूँ। यहाँ मैं बना देती हूँ। नहीं आ रहा ना? राहुल, यहाँ आ। तो राहुल, अब तुझे तो चुप। अब मैं तुझे क्या लग रहा पता है? अब राहुल लग रहा है चाचा चौधरी। अच्छा राहुल, अब मुझे बता, मैं अच्छी हूँ या गंदी? कभी अच्छी कभी गंदी। और श्रुति आंटी? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। क्यों? वो गाना सुनाती थी, अच्छा खाना बनाती थी और खिलाती भी थी। तुम्हें तुम्हें खिलाती थी? आकाश अंकल को। राहुल, अपने हाथों से खिलाती थी? हाँ, ऐसे। मुच्छी बनाओ। हाँ? तुम रो रही हो? हाँ? नहीं तो मुच्छी बनाओ। हाँ। देखो, अब तुम्हारी मुच्छी बन गई है। बहुत अच्छे लग रहे हो। अब घर जाओ, मम्मी वेट कर रही होगी ना। जाओ। अब बहुत अच्छी हूँ। श्रुति, ये वाली जो आ रही है तुम्हारे पास, इसका नाम है मायावती। मायावती? और वो जो है वो उधर जा रही है, उसका नाम है रूपमती, काली वाली। और इसका इसका क्या नाम है? इसका नाम है उमराव जान। उमराव जान? ये वाली, ये एक्चुअली वाला राम भरोसे। सर, माँ जी अभी तक किचन में ही है? हाँ, किचन में ही है। जब भी कोई गेस्ट आता है या आती है तो उनकी एनर्जी अपने आप डबल हो जाती है। She starts cooking. सर, मैं एक काम करती हूँ, उनकी किचन में जाकर मदद करती हूँ। जब से आई हूँ यही बैठी हूँ और वो दो बार चाय भी बना चुकी हैं। अच्छा नहीं लगता है ना सर? और मैं अकेला बैठा बोर होता रहूं? नहीं सर, आप उमराव जान का मुझा देखिए ना। इसमें है। थैंक्स। माँ जी, बताइए ना, मैं आपकी क्या मदद करूँ? नहीं बेटा, तुम रहने दो। कितनी फिक्र है तुम्हें। और एक उस दुष्ट को देखो, मेरी जरा भी फिक्र नहीं। कब से कह रही हूँ कि मेरे लिए एक बहू ले आ, लेकिन मेरी सुनता ही नहीं है। बेटा, तुम मेरी मदद ही करना चाहती हो ना? जी। तो जाके समझाओ उसे
समझाओ कि कब तक अपने माँ के हाथों का जला भुना खाना खाता रहेगा। मामा, मामा, अच्छा लगा। अपनी मम्मी को मामा कहती हो? जी। तो ठीक है, आज से मैं भी मामा। जी। बताइए ना मैं क्या करूं? तुम वो सलाद काट दो। जी। मैं तो बोल बोल के थक गई कि अपना घर बसा ले, लेकिन सुनता ही नहीं है। अब जाके कहीं मुंह खुला है। कल जब मैंने उससे पूछा कि तुझे कैसी लड़की चाहिए, तो पता है उसने क्या जवाब दिया? क्या? उसने तो मेरे लिए मुसीबत ही खड़ी कर दी। उसने कहा मुझे श्रुति जैसी लड़की चाहिए। अब श्रुति कहता तो समझ भी आती, मैं तुमसे बात कर लेती, है ना? पर श्रुति जैसी, अब तुम्हारी जेरॉक्स कॉपी में कहाँ ढूंढती फिरूं, बताओ? माँ जी, मैं अभी आई।